आज मुख्यमंत्रियों के साथ जो बैठक प्रधानमंत्री ने की, उसमें बहुत ही गैर जिम्मेदाराना तरीके से प्रधानमंत्री ने एक ऐसी बात की जो किसी भी सही सोच रखने वाले व्यक्ति के अलग से नहीं उतर गई। वो थी पेट्रोल और डीजल पर। एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के आड़ में जो प्रधानमंत्री ने टिप्पणी की, वो उन्हें शोभा नहीं देती, उस पद को भी शोभा नहीं देती। उन्होंने अपील की राज्यों से कि वो वैट कम कर दें ताकि उपभोक्ता को राहत मिले डीजल और पेट्रोल के दामों से। अगर आप आंकड़े देखें तो पिछले 8 सालों में केंद्र सरकार ने केंद्रीय उत्पाद के जरिए पेट्रोल और डीजल पर 26 लाख करोड़ कमाए हैं। वो राहत उपभोक्ता को उन्होंने नहीं दी। और अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो पेट्रोल और डीजल पर जो टैक्सेस लगते हैं, 68% टैक्सेस वो केंद्र के हिस्से में जाते हैं, 32% राज्यों के हिस्से में जाते हैं। यह भी सामने अगर आंकड़े रखेंगे तो प्रधानमंत्री को पहले हिसाब देना चाहिए उस 26 लाख करोड़ का, और फिर केंद्रीय उत्पाद दरों में भारी वृद्धि करनी चाहिए, जो यूपीए के वक्त से लेकर अब तक अनेकों बार उन्होंने वो वृद्धि की है सेंट्रल एक्साइज में। उसी को अगर रोल बैक कर दें तो पेट्रोल और डीजल बहुत सस्ता उपभोक्ताओं को मिलना शुरू हो जाएगा। टुडे द प्राइम मिनिस्टर मेड सम रिमार्क्स इन हिज मीटिंग विद द चीफ मिनिस्टर्स। दीज रिमार्क्स वर नॉट बिफिटिंग द पोजिशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, इरिस्पॉन्सिबल, नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट्स, एंड इन द गार्ब ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म द प्राइम मिनिस्टर एक्सपेक्ट्स द स्टेट्स टू reduce VAT on petrol and diesel without first giving an account of the central excise through which the central government has earned 26 lakh crores in the last 8 years. First give an account, pass that relief on to the consumers, reduce, roll back the unprecedented hike in central excise on petrol and diesel. In order to give relief to the consumers, if you actually are serious about giving any relief to the consumers of this, of petrol and diesel. 68% of the taxes collected on petrol and diesel go to the share of the central government. 32% come to the state governments. Expecting the state governments, which are already starved of their share of GST, is, I think, very unfair and, as I said, not befitting the stature of the Prime Minister. Your questions, please. सवाल पूछिए। पहले इसी पर रखते हैं, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, पेट्रोल डीजल का मुद्दा है, हम और आप रोज उसको झेलते हैं, तो पहले उस पर पूछिए। सर, प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया है कि राज्य टैक्स कम करें, और उसके बाद बीजेपी नेताओं की तरफ से भी बयान जारी कर बताया गया है किस तरीके से बीजेपी शासित राज्यों के मुकाबले गैर बीजेपी शासित राज्यों में टैक्स ज्यादा लिया जा रहा है। प्रधानमंत्री भूल जाते हैं कि वो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, और जब वो प्रधानमंत्री के पद पर बैठकर मुख्यमंत्रियों से बात करते हैं तो उन्हें इस तरह से राज्यों के नाम ले लेकर बोलना कि आप कम कर दीजिए, गैर भाजपा शासित राज्य कम कर दें, यह जानकारी है उन्हें कि 26 लाख करोड़ वो अर्जित कर चुके हैं सेंट्रल एक्साइज के माध्यम से पेट्रोल और डीजल पर पिछले 8 सालों। उसका हिसाब देना चाहिए था। और जो उनकी संवैधानिक जिम्मेदारी है केंद्र सरकार की, जीएसटी का हिस्सा राज्यों को सही समय पर दें, उसके लिए उन्हें माफ़ी भी मांगनी चाहिए कि वो नहीं देते, परेशान करते हैं राज्यों को। नंबर 3, जो आपने सेंट्रल एक्साइज पिछले 8 सालों में बढ़ाया है, उसको अगर आप रोल बैक करेंगे तो आज ही पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी गिरावट आएगी और
उपभोक्ताओं को अच्छी राहत मिलेगी अगर आपकी नीयत में खोट नहीं है और आपकी नीयत में है कि आप राहत देना चाहते हैं, सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं सो तो आप कर ही रहे हैं। तुलना राज्यों की आपस में करने के स्थान पर तुलना केंद्र की राज्यों से की जाए तो केंद्रीय उत्पाद दरें क्यों इतनी बढ़ी, उससे आपने कितना कमाया, उसका क्या लेखा जोखा है, उसको आप रोल बैक क्यों नहीं कर रहे, यह उत्तर देने चाहिए। तुलना राज्यों की करने के स्थान पर तुलना केंद्र की राज्यों से होनी चाहिए। 68% आप कमाते हैं टैक्सेस से पेट्रोल और डीजल पे, 32% राज्य कमाते हैं, यह तुलना होनी चाहिए। सर, अलग से सवाल कर लिया। एक सवाल है सर कि राजधानी दिल्ली के 40 गांवों के नाम बदलने की बात बीजेपी कर रही है और प्रस्ताव दिल्ली सरकार को दे रही है और नाम जो है सबके मुस्लिम नाम है जिन गाँव के, जैसे मोहम्मदपुर हो गया, चाहे हौज खास हो गया, यूसुफ सराय हो गया, शेख सराय, ऐसे गाँव के नाम चिन्हित किए गए हैं, उसको बदलने की बात की जा रही है, उसको किस तरह से लेते हैं? ये सब इसीलिए किया जा रहा है कि पेट्रोल और डीजल की प्रेस वार्ता में भी यह सवाल पूछे जाए, कि पेट्रोल और डीजल पे सवाल ही न पूछे जाए। यह षड्यंत्र का हिस्सा है कि असली मुद्दों से कैसे मीडिया का भी ध्यान और मीडिया के माध्यम से जनता का भी ध्यान हटाया जाए और ऐसे मुद्दों पर लाया जाए जिसमें कि समाज में अशांति पैदा हो, आपस में नफरत पैदा हो, इतिहास से खिलवाड़ हो, विरासत से खिलवाड़ हो और एक ऐसा माहौल इस देश में बने कि लोग मोदी जी के 2014 के वादे और नारे भूल जाएं और नए तौर पे उनके नए एजेंडा के साथ उनको फिर से चुनाव जिताने की मुहिम में शामिल हो जाएं। सर, एक सवाल है, यूनिफॉर्म सिविल कोड आने की जो बात गुंजाहट हो रही है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड ने एक प्रेस नोट जारी किया, उसने कहा है कि ये असंवैधानिक है, अल्पसंख्यक विरोधी है। यह भी उसी एजेंडा का हिस्सा है जिसकी मैं बात कर रहा था कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर प्रेस वार्ता हो और उसमें सवाल आए कि गांवों के नाम बदले जा रहे हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड आया जा रहा है, ये तमाम वो एजेंडा दिखता है, आपका नहीं कह रहा, ये प्रधानमंत्री और उनके संगठनों का, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है जिसका हम शिकार इस देश को भी नहीं होने देंगे, मीडिया को भी नहीं होने देंगे और हम भी इसका शिकार नहीं होंगे। अभी प्रणव जी बता रहे थे हरियाणा में तो भाजपा शासित प्रदेश है, सबसे ज़्यादा वैट है पेट्रोल और डीजल पर, उसका जवाब प्रधानमंत्री दें। तो ये आधी अधूरी बातें जानकारी लेकर बैठते हैं, एक सरकारी बैठक है उसमें भी राजनीति करते हैं, ये पहले किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया और 2024 के बाद जो भी प्रधानमंत्री बनेंगे वो भी ऐसा इस तरह की बातें नहीं करेंगे।